गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स डे 3 और आज है तीज पूजा। तो जो भी तीज पूजा कर रही है, सभी लोगों को हैप्पी तीज पूजा। और यहाँ भगवान के कपड़े बनाए जा रहे हैं, और ये और मम्मी मिलकर के भगवान के कपड़े बना रही हैं। हमने हमारा जो पूजा है इधर, उसके नीचे हमने झाड़ू पोछा लगा दिया, पूरी साफ सफाई कर दी, पूजा के लिए बर्तन निकाल दिया, पूजा और हम के लोगों ने लिए। इतने ठंड में नहा भी लिया, मतलब बारिश के कारण बहुत ठंड मौसम है। बहुत खराब है यार, मेरे को दम नहीं पसंद है बारिश, स्पेशली इस रीजन से कि सुबह सुबह आपको नहाना पड़े। और अभी हमने साफ सफाई कर ली, पूजा के लिए बर्तन निकाल लिए, पूजा के लिए गैस वगैरह निकाल लिए हैं। रुको, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये यहाँ पर पूजा का प्रसाद बनने के लिए आटा, देर इज गैस सिलेंडर छलनी, यहाँ पर पूजा के कपड़े बनाए जा रहे पूजा कब हैं, बनाते हैं हम यहाँ कल? पर पूजा का बर्तन निकल करके रेडी है, और अभी प्रसाद बनेगी। ये है धोती, धोती नहीं है, गमछा। अच्छा, गमछा। दैट इज भगवान जी का गमछा। तीज पूजा के टाइम पर, मतलब बेसिकली इसे हरि तालिका तीज पूजा कहते हैं, हमारे यहाँ पर ना घर पर भगवान जी बनाए जाते हैं, और उसके लिए हम मिट्टी लाते हैं, और मिट्टी से खुद से मिट्टी और बालू मिलाकर मिट्टी एंड बालू मिलाकर, इसमें मिट्टी एंड बालू मिलाकर खुद से भगवान जी को बनाते हैं। तो यहाँ पर पूजा के प्रसाद के लिए ठेकुआ के लिए आटा, यहाँ पर पूरी के लिए एंड यहाँ पर पिड़किया के लिए मैदा गूंद कर हमने रख लिया है पहले ही से ही। उसके बाद यहाँ पर पिड़किया के अंदर स्टफ करने के लिए सूजी, यहाँ रिफाइन गर्म हो रही है, और यहाँ पर पुआ के लिए हम लोग बैटर बना रहे हैं। प्रसाद बन गया, और यार गर्मी से तो हालत खराब हो गई है, तो प्रसाद का तो काम खत्म फाइनली। और अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी को रेडी करने के लिए। इस तीज पूजा में जो औरतें होती हैं, पूरा लाइक ओवरऑल मेकअप, 16 सिंगार सब कुछ करती हैं, तो आप भी देखो। तो मम्मी की बेस्ट फ्रेंड आ गई है आंटी, पूजा और होगा, पूजा हाँ अब होगा। पूजा होगी, और दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, दोनों ने फुल ऑन मेकअप किया है। तो चलो अब पूजा के लिए रेडी हो जाओ। ये कन्या किसी योग्य वर को दे। हम लोगों ने खा पी लिया, खाने पीने के बाद हम लोग बहुत थक गए, हमारे शक्ल पे 12 बजे में व्रत तुम कर रही हो ना, मतलब मेरे को तो लगा हाफ व्रत हमने भी कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं आराम करने। आराम करेंगे, उसके बाद कल सवेरे पूजा होगी, तो उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सुबह की पूजा हो गई है, अभी बज रहे हैं 5, सुबह के 5, और यहाँ बन रही है चाय। मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय, क्योंकि मम्मी सबसे पहले चाय पिएगी फिर कुछ खाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और रानी पहले ही उठकर उसने नहा वहा कर पूजा वगैरह कर लिया है मम्मी के साथ। मैं लेट से उठी हूँ और अभी सब्जियाँ कट रही हैं। वेट, आई विल शो यू, वेट वेट वेट। यहाँ पर पकौड़े के लिए वेजिटेबल्स कट रहे हैं। कद्दू है, आलू है, बैंगन है, प्याज है, ये सब का पकौड़े बनेगा। यहाँ पर हमने गोभी उबलने के लिए रख दिया पकौड़ियों के लिए। उसके बाद यहाँ पर प्याज, यहाँ पर बाकी वेजिटेबल्स, यहाँ पर चना दाल, उड़द दाल, सारा कुछ रेडी है पकौड़ी बनने के लिए।
कम्स द स्टार ऑफ द शो, दिस इज कोहड़ा। यहाँ पर बनेगी कोहड़े की सब्जी, इसे इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं अगर बाय चांस किसी को कोहड़ा नहीं समझ आए तो। और ये कोहड़े का फूल जिसे हम बेसन में मैरिनेट करके इसकी पकौड़ियाँ तलेंगे। तो अभी ये हम बना रहे हैं ये फूल का पकौड़ा, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। वो गॉड तेल के छींटे पड़ रहे हैं, अच्छा हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लपेटना। आई डेंट नो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ। मम्मी देखो और गरम पीछा बहुत मोटा है। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. कढ़ी बनकर रेडी है, और हमने मसाला कढ़ी नहीं बनाई है, हमने बहुत सिंपल कढ़ी बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी खाने में आज बहुत मसाला है, हमारा खाना बहुत हैवी है, तो इसीलिए हमने कढ़ी को बहुत सिंपल रखा है। हमारे मेहनत का फल, ये रहा चावल, कढ़ी, कोहड़ी की सब्जी, दही वड़े, आलू गोभी की सब्जी, पकौड़े एंड लाल साग, और साथ में थोड़ा सा अचार। तो अब तो हम लोगों से बर्दाश्त हो नहीं रहा, हम जा रहे खाने, बातें करते आपसे खाने के बाद। तो लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे, उसके बाद हमने उठकर चाय नाश्ता किया, और फिर मैंने सोचा कि अब दिन भर में दिखाने लायक कुछ है नहीं, ऐसे ही आधा दिन निकल गया है, तो व्लॉग को लंबा खींच करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस व्लॉग को अब एंड करते हैं। तो अच्छा हाँ, और एक चीज़ कि जो मैंने मम्मी के लिए सूट बनाई थी ना, वो पहन नहीं पाई, नॉट बिकॉज की फिटिंग वगैरह ख़राब थी, फिटिंग वगैरह सब A1 थी, दी ओनली प्रॉब्लम कि ना उसको यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण उसके शोल्डर में बहुत पेन होता है, तो सूट पहनने के टाइम वो अपने शोल्डर को ऐसे उठा नहीं पाती है, और ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया, ना मम्मी ने दिया ना मैंने दिया, हमें जिप लगानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, वो सूट जब भली चंगी हो जाएगी, जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तब पहनेगी। बाकी ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा बीता, हमने बहुत अच्छे से खाना वगैरह बना लिया, मैंने और रानी ने लाइक लाइफ में पहली बार ठेकुआ और पिड़किया खुद से बनाया, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, एक पिड़किया ख़राब नहीं हुआ, एक में दरार नहीं आई, कुछ नहीं, सब बहुत अच्छे से बन गया। मेरे को तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया, आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा। यार बहुत मुश्किल होती है, वीडियो भी बनाओ, खाना भी बनाओ, काम भी करो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। चलो तब तक भी आप अपना ख्याल रखो, कोरोना में घर में रहो।